तो ये है आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 17 अगस्त का पेपर। इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये होगा मेरा सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछला जितना भी सेट मैंने आपको कराया आप उसको अच्छे से देख चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो एक बार ज़रूर से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन और यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो ज़रूर से ज्वाइन करो, ठीक है। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं वहाँ पर पोस्ट जरूर से कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए, तो हर ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको डिनोमिनेटर में ए दिख रहा है ना, आपको ए का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर आप इसको सिंपली देख रहे हो और समझ रहे हो तो आपको देखो यहाँ क्या लिखा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा होता क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बोला जब चीज़ें समझ आए तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, वरना फिर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यह केवल मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, ये राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए। अब नीचे आपको पता है एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ से हम एक तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं ईजिली, तो बस हो तो गया। अब ए को अगर वहाँ भेज दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ए को हम वहाँ भेज दिए तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, यही चीज़ आपको यहाँ तक कर एक बार में करना था, फिर तो उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऊपर नीचे जब हम कंजुगेट करेंगे, ऊपर नीचे जब हम 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से अब हम ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और साइन स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या, केवल 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दी गई आकृति में ए बी सी अगर एंगल ए बी डी का बराबर है, बी सी बी डी के बराबर है, तो ट्रायंगल सी ए बी किसका सिमिलर होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ए बी सी एंगल ए बी डी का बराबर है, जो कि ये दोनों एंगल बराबर है, साथ ही साथ बी सी और बी डी के भी बराबर है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में बराबर है। हमसे बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, सी ए बी, ये देखो सी ए बी, अगर ये ट्रायंगल अगर है बराबर तो सिमिलर किसके साथ होगा, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बताओ ट्रायंगल सी ए बी, तो आप अगर देखोगे तो ये साइड अगर इसके साइड के बराबर है और ये साइड तो दोनों में कॉमन है यानी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से आप सिमिलर नहीं बता दोगे कि ट्रायंगल सी ए बी किसके बराबर है, तो ट्रायंगल सी ए बी आपका डी ए बी के बराबर होगा, बात खत्म। तो ट्रायंगल डी ए बी के बराबर होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। बस यही तो आपको बताना था किसका सिमिलर है, तो साइड एंगल साइड से आपका एंगल डी ए बी का बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में एल एम के समांतर है तो 2x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। हम लोग प्रीवियस जितना भी सेट सॉल्व किए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। फिलहाल हमसे पूछा 2x प्लस वाई का मान बताओ, तो x का अगर मान अगर बात करोगे तो देखो 105 डिग्री अगर ये है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 105 यानी ये हो जाएगा 75। और आपको पता है कि दो समांतर रेखा में अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक बराबर होता है। तो इसका मतलब जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब y के मान की अगर बात करें तो आपको पता होगा फिर से उसी तरीक़े से, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा।
जब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो इसके अल्टरनेट पे ये 60 डिग्री हो जाएगा, और एक सीधे रेखा में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, यानी वाई का मान आ जाएगा 120 डिग्री। बात खत्म। तो हमसे पूछा था 2x प्लस वाई का मान बताओ, तो x अगर 75 डिग्री है तो 75 गुना 2 यानी 150, और प्लस 120 तो 270 डिग्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम अच्छे से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सारा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने हर बार बताया आपको कि कैसे इसको डायरेक्ट करते हैं। तो पॉइंट क्या है, 0.16 और 6 के ऊपर में बार है, यानी ये नंबर रिपीटेड है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है, यानी जो नंबर ज़्यादा रिपीट करता है उस उतना 9 लिखते हैं, यानी 9 हो गया। और फिर 0 एक नंबर यानी 1 के ऊपर है, बार नहीं है तो 90, और ये ऊपर में क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में 16 से एक जाएगा 15। तो इसको डायरेक्ट अब उसी तरीके से लिख देंगे, यानी यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 90 और 15 में से एक जाएगा 14, माइनस नीचे क्या हो जाएगा 90 और 13 में से एक जाएगा 12। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 19, 29, 29 में से 12 जाएगा 17, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, द्विघात समीकरण दे दिया गया था आपको, मूलों का योग पूछा था, यानी सम ऑफ रूट आपसे पूछा है, सम ऑफ रूट बताओ क्या होगा। तो ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे पूछा है सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, अगर ये जनरल फॉर्म है तो बस, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी की जगह में यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है 7, यानी माइनस 7, और एक ए मतलब क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो यहाँ पर क्या है 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस 7/4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता यानी गुणनखंड पूछता तो क्या होता, फिर सी बाई ए होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, आपको इसका वैल्यू बताना था, तो बता दो जल्दी से। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4, यहाँ क्या हो जाएगा जैसे करो 9 और 9 में से 4 जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13/5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री का तत्कालीन आयु का 6 गुना थी, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्री के आयु का 3 गुना होगी, तो पुत्री का वर्तमान आयु बताओ क्या होगा। तो चलो जैसा बोला है क्वेश्चन में पहले वैसा करते हैं। तो ये हो गया फादर और ये हो गया उसका डॉटर यानी पुत्री, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, ये 6 ईयर एगो की बात कर रहा है, ये बस यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। क्या था, पिता की आयु उसके पुत्री की आयु तत्कालीन आयु का 6 गुना था, तो यानी अगर ये पिता अगर 6 है तो डॉटर कितना होगा 1 होगी। यहाँ तक क्लियर है, यानी ये मेरे को दिया हुआ है इतना। आगे क्या बोला, 3 वर्ष के बाद यानी 3 साल बाद आफ्टर का रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है पिता उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना था, यानी ये 3 है तो ये 1 है। अब आप जानते हो एज का कॉन्सेप्ट में कि एज क्या होता है, डिफरेंस कभी भी आपका 1 बराबर होता है, यानी आज मेरा और आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा के लिए वही डिफरेंस रह जाएगा। तो रेशियो में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ रेशियो में 2 का डिफरेंस है, तो पहले दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर दे रहे हैं और यहाँ हम 5 से गुना कर दे रहे हैं, जिससे मेरा डिफरेंस बराबर आ जाए। तो 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर उसी तरीके से 5 का गुना 1 से करेंगे तो ये 5, और फिर 5 का गुना अगर 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। अब देखो डिफरेंस, अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना आ गया 10 साल का आ गया, यानी अब यहाँ पर मेरा क्लियर है। अब हमसे पूछा था पुत्री का वर्तमान आयु, अब किसी का भी निकाल लो। तो अब अगर आप देखोगे तो देखो 12 से 15 हो रहा है, या पुत्री की बात करें तो 2 से 3 हो रहा है, यानी कितना का डिफरेंस दिख रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, और ये 3 यूनिट कितने साल के बराबर होगा, तो 6 साल पहले और 3 साल बाद, यानी ये 3 यूनिट 9 साल के बराबर होगा, क्योंकि ये 6 साल पहले का था और ये 3 साल बाद का था, तो यही 3 किसके बराबर होगा 9 साल के बराबर होगा। तो 3 का मतलब 9, तो 1 का मतलब क्या होगा 3 होगा, तो इसका मतलब 5, ये वाला 5 अगर मैं 3 साल बाद का निकाल रहा हूँ तो 5 गुना 3 15, यानी मैं बात करूँ 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 3 साल बाद का है,
तो यानी प्रेजेंट में कितना होगा 12। हमसे उसका वर्तमान पूछा था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन, दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य है, बताओ। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, क्या बोला, दो अंकों वाली ऐसी संख्या की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, यानी दोनों से डिविजिबल है। तो दो अंकों वाली अगर संख्या की बात करें जो 2 और 4 दोनों से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 12, जो कि दो अंकों वाली संख्या है और जो कि दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होगा, तो दो अंकों का सबसे बड़ा संख्या की बात करें तो ये हो गया 96। तो हमसे यही तो पूछा ऐसे कितनी संख्या है, तो सॉल्व कर लो। आप चाहो तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट से भी बनाना, आपको मैंने बताया। तो 96 सबसे बड़ा नंबर है और 12 सबसे छोटा नंबर है, तो 96 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, और ये 4 से डिवाइड होना चाहिए तो 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया 2 और 1, यानी 21 नंबर तो आ गया, प्लस साथ में एक नंबर और जोड़ दो क्योंकि ये 12 इसमें से एक माइनस हो जाता है, तो 21 और 1 22, यानी टोटल 22 ऐसी संख्या है जिससे जो आपका 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, और वो दो अंकों वाला संख्या भी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है? अगर ऐसे समझ नहीं आया तो फिर फॉर्मूला तो आपके पास एपी का है ही। पहला संख्या 12 हो गया प्लस एन निकालना है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 4-4 का तो अंतर है, तो यही तो आपको निकालना है, और ये टोटल जो था 96 तक था। सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू फिर से आपका 22 ही आएगा। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है तो मूलों का योग अगर 9 है तो अब आपको बी का मान बताना है। तो बी का मान बताना, अभी मैंने बताया मूलों का योग अगर दे रखा है तो पहले मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी में क्या हो जाएगा, बी है, एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी है, तो माइनस बी। ए की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 5, तो ये 5। यही चीज़ मेरा 9 के बराबर है, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45, यानी बी का मान आ गया -45। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्स का मान दे रखा था और बोला है कि ये अगर समानुपात में है तो वाई का मान बताओ क्या होगा, यानी अगर ये एक प्रोपोर्शनल में है तो y का वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हो a b c d, अगर ये अगर प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब ए बी का रेशियो सी डी के रेशियो के बराबर होगा, तो बस यहाँ पर वही तो करना है। तो x का वैल्यू अगर 2 दे रखा है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 2 2x है, यानी 2 2 4 और 7 4 11 हो गया, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी 6 2 12 12 9 21, और y, यानी y का वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 3, तो y का मान कितना आ गया 33, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, जल्दी से ट्राई करो, ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिन में, और सी उसे 55 दिन में पेंट कर सकता है, यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करता है, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा बताओ। चलो क्वेश्चन समझे, कोई साड़ी है जिसको तीनों लोगों का पेंट करने का क्षमता बता दिया कि ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 55 दिन में पेंट करता है। क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है कि यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए का सहायता किया जा रहा है, यानी ए तो काम कर ही रहा है, वो बी का हेल्प ले रहा है, कब, विषम संख्या वाले दिन पर, यानी ऑड नंबर डे में बी आपका हेल्प कर रहा है, और इवन नंबर वाले डेज में आपका ए का हेल्प कौन कर रहा है, सी हेल्प कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि टोटल ऐसे कितने दिन में आपका ये पूरा कार्य होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर ए अगर आपका 11 दिन में कार्य कर रहा है तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, ये 20 हो गया, ये हो गया 55, तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 220। इसका मतलब ये आपका काम कितना कर रहा है, ये आपका 20 काम करेगा, 20 यूनिट, और बी आपका कितना यूनिट करेगा, 11 यूनिट, और सी आपका 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है पहला दिन जो कि एक विषम संख्या वाला दिन होता है, और दूसरा दिन जो कि सम संख्या वाला दिन होता है, यानी इवन नंबर वाला डेज होता है। तो पहला दिन में आपका देखो बी का कौन सा डेज में काम कर रहा है, ऑड नंबर डे में, यानी पहला दिन काम किया होगा बी ए के साथ, तो बी और ए मिलकर जब काम करेगा तो कितना काम कर पाएगा, 20 और ये 31, मतलब 11, मतलब 21 और 31 हो जाएगा,
प्लस सेकेंड डे में कौन काम करेगा, अब सी काम करेगा क्योंकि सम संख्या वाला दिन है, तो 20 और 4 कितना 24, तो काम इसी तरीके से अब होता जाएगा प्लस। तो हमको आगे बढ़ना नहीं है, बस हमको दो दिन में काम कितना हुआ वो पहले देख लेते हैं। तो दो दिन में काम कितना हो रहा, 4 और 5 यानी 55 यूनिट काम खत्म हो जा रहा दो दिन में। हमको टोटल काम कितना करना है 220, तो 220 यानी दो दिन में अगर 55 यूनिट काम हो रहा है तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, इसका मतलब पता चल गया 8 दिन में 220 यूनिट काम मेरा खत्म हो जा रहा है, यानी टोटल 8 दिन का समय लग रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब यहाँ पर क्या बोला है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर किराए मूल्य का 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत में कितना खर्च किया था बताओ। यानी आपसे पूछा है कि उसने रिपेयर में कितना पैसा खर्च किया है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है और रुपए में बता दिया गया है कि उसको 2200 रुपये का लाभ हुआ है जो कि 20% के ही बराबर है, तो आप तो यहाँ से निकाल सकते हो ना 100% का वैल्यू। मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी क्रय मूल्य खुद में क्या होता है 100% होता है, इसका मतलब आपको पता चल गया जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना का बन रहा है 11,000 का बन रहा है, ठीक है। मगर मेरे को क्या बोला था कि मरम्मत में कितना खर्चा हुआ था, तो मान लेते हैं अब आप समझो सिंपली, अगर 100 रुपये का चीज़ वो खरीदा था जिसमें वो क्रय मूल्य का 10% रिपेयरिंग में खर्चा किया, यानी 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 10% उसका यानी 10 रुपये उस पर खर्चा किया, तो कितना हो गया 110। यही तो 110 इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट हम काउंट करेंगे अपना टोटल कॉस्ट पे ही तो काउंट करेंगे ना। तो बस आप समझ गए, यानी 110 अगर ये 11,000 के बराबर है, हमसे पूछा था मरम्मत में कितना खर्चा हुआ, यानी यही 10 रुपये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, यानी 100 गुना है, तो इसका मतलब 10 का 100 गुना यानी क्या हो जाएगा 1,000 खर्चा हुआ था, यानी जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1,000 का टोटल खर्च हुआ है, यानी 10,000 में वो स्कूटर खरीदा, 1,000 मरम्मत कराया, फिर उसमें 20% का प्रॉफिट कमाया। क्लियर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना था बताओ। तो बताओ, तो जो बोला है कर दो, अगर राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु अगर 25 वर्ष है, तो मेरे से पूछा कितना साल पहले, तो मैं मान लेता हूँ एक साल पहले उन लोगों का जो था वो 3 गुना था, तो ये राम का आयु 3 गुना यानी 1। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 55 - x = 75 - 3x, तो ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा मेरा कितना 20, तो 2 से काटेंगे 10, यानी 10 साल पहले आपका था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको विमाओं वाले एक घनाप के सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कोई एक घनाप है, यानी कोई एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके सभी साइड में आपको पेंट करना है, और आपसे वही बोल रहा है पेंट किए जाने वाला का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है टोटल यहाँ पर कितने साइड हो जाएंगे, टोटल 6 साइड हो जाते हैं, आप ये जानते हो। तो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे को दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 2L × B + B × H + H × L, यही होता है ना। तो बस यहाँ पर वही चीज़ कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पूछा है कि कितना टोटल पेंट पे क्षेत्र, मतलब जो पेंट हो रहा है उसमें कितना का क्षेत्र, मतलब कितना क्षेत्रफल पर पेंट हो रहा है, यही आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्व करो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला भी मैंने दिखा दिया, गुना करो। अब यहाँ से तो आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी बना पाओगे, तो 12.5 का गुना करना है पहले इसको, तो यहाँ पर आप इसको जैसा चाहो वैसा गुना करो। तो मैं अगर ये 0.5 को अगर थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, तो 12 का गुना करते हैं इससे, 12 का गुना करते हैं इससे, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 12 का गुना करो, 12 × 5 = 60, 0 हटा देंगे तो 12 × 96 और 6 = 102, 10 कैरी, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो आधा बचा हुआ था, तो 18.5 का आधा करेंगे तो कितना जाएगा 9.25, ये भी ध्यान देना 9.25। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सिर्फ ईजी करने के लिए किया गया था, बाकी तो आप जानते हो। तो ये आ गया मेरा इतना 231.25, ये किसका आया था L × B का गुना, अब B × H का गुना, तो अब तो यहाँ आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 10 से गुना हो रहा था, फिर 10 का गुना 18.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। सॉल्व करो,
तो 5, 5, 10 और 11, 8, 2, 10, 13, 1, 14, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना आया 541.25, और इसी का गुना 2 से कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स की अगर बात करें तो देखो अलग अलग, तो 541 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1082, और 25 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको देखो, अच्छा यहाँ पर दो क्वेश्चन है, जल्दी से बना लो अब इसको। दो संख्याओं का HCF दे रखा है और उनका LCM दे रखा है, इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कूल ऑफ करने के लिए आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 217। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्योंकि आपको पता है कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर का LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को देखो। 14 सेंटीमीटर लंबे वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 14। सॉल्व करते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 7 आएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, यानी 49√3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी देखो दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति ने 75,000 की एक धनराशि पर 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 6 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन पूछा आपसे। तो 7.5% से अगर 6 साल के लिए अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45%, आप जानते हो। तो यही 45% का वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, पूछा मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा है। तो 45% इंटरेस्ट हो जाएगा और जोड़ देना 75,000 में, या फिर तो चाहो तो आप एक काम करो 145% का वैल्यू निकाल लो, मैं हटा रहा हूँ, यानी 75,000 का 145% डायरेक्ट निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 75 का गुना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा 2। ठीक है, 25 2, 20 2, 22, 5 2, 7, 7, 5, 35, 3, 28, 3, 31, और यहाँ 28, 31, 7, 3, 10, तो क्या हो जाएगा 5, 2, 7, 8, 0, 1, 0, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो फिर है। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% के हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है, तो पुस्तक का किराया मूल्य बताओ क्या होगा। अब आप जानते हो कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसको 14% का हानि हो रहा था, इसका मतलब वो 86% पे वो सामान को बेच रहा था। अब बोला है कि अगर विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि, 100 रुपये की वृद्धि हो तो उसे 6% का लाभ हो रहा है, यानी 106% पे यानी वो सामान बिक रहा है। तो यही चीज़ का तो डिफरेंस आपको 100 रुपये दे रखा है, कितना डिफरेंस यहाँ से 14 और यहाँ से 10, यानी यही 24 हो रहा ना, नहीं 14, 6, 20 हो रहा ना, 14, 6, 20, यानी यहाँ से 14% दिख रहा है आपको और यहाँ से 6%, यानी यही 20% का तो वैल्यू दे रखा है 100 रुपये के बराबर, क्योंकि यही विक्रय मूल्य में जब 100 का वृद्धि हो रहा था तो 6% का लाभ हो रहा था। तब आप समझ गए हमसे पूछा था क्या क्रय मूल्य का दाम बताओ, तो क्रय मूल्य यानी 100 से गुना कर देंगे, यानी 100 × 5 यानी 500, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्स और वाई एक कार्य को अगर 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वो वैकल्पिक रूप से यानी अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है, तो जिसे एक्स पहले दिन पर कार्य करता है तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बताओ। तो चलो फिर से अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट, ये 8 ये 12, तो टोटल वर्क अगर 24 हो गया तो इसका मतलब ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट काम कर रहा है। क्वेश्चन में बस यहाँ ध्यान देना है कि पहले कौन काम कर रहा था, तो पहले अगर एक्स काम कर रहा तो यानी 3 + 2, दूसरे दिन पे कौन कर रहा, वाई कर रहा, यानी 2 दिन में आपका काम कितना हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, मेरे को टोटल कितना काम करना है, 24 यूनिट काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली 5 × 4 से करेंगे तो यहाँ पर भी 4 × करेंगे, यानी 8 दिन में टोटल कितना यूनिट काम हो चुका है, 20 यूनिट काम हो चुका है, अभी भी काम मेरा अधूरा है, अभी और कितना काम बचा है, 4 यूनिट काम बचा है, और टोटल 8 दिन में आपका 20 यूनिट काम हो चुका है। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, तो एक्स के द्वारा शुरू हुआ था और ख़त्म भी वाई के द्वारा हुआ था, यानी फिर से कौन आएगा, एक्स ही आएगा, तो एक्स तो आपका 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी 9वां दिन 1 दिन और लगेगा, फिर कितना काम हो जाएगा, तो 3 यूनिट काम और ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका अब 1 यूनिट काम बच गया। अब 9वां दिन काम आपका 9 दिन में काम कितना हो गया, 23 यूनिट काम ख़त्म हो चुका है।
अब एक यूनिट को काम करने कौन आएगा, वाई आएगा, जो कि वो दो यूनिट काम करता है, यानी एक बटा दो, यानी आधा दिन लगेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन + 1/2, यानी 9 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और आगे के 2 घंटे की यात्रा करता है, और आगे 2 घंटे की यात्रा करता है, यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद में 2 घंटा की तय की गई दूरी बताओ क्या होगा। तो आपको पता है एवरेज स्पीड होता है क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमको एवरेज स्पीड दे रखा है कितना, 30। टोटल डिस्टेंस बताओ, पहले वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाद में मान लेते हैं वो एक्स किलोमीटर तय किया, ठीक है, समय टोटल कितना लगा, पहले उसको 3 घंटा लगा, बाद में 2 घंटा लगा, यानी 5। सॉल्व कर लो तो 5 × 30 यानी 150, और 150 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70, यानी 70 किलोमीटर वो बाद में ट्रेवल किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, 2 क्वेश्चन है। अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु बताओ क्या होगा। तो 8 वर्ष कम, अगर वो 18 है, तो उसका 8 वर्ष ज़्यादा यानी 26 वर्ष होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी, अब यहाँ देखो x का मान पूछा है, तो बेस हम सेम कर लेंगे, बेस सेम कर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब आपका क्या मल्टीप्लाई में है, अपने सर्ट्स और इंडेसेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2 के पावर में x है, तो x 2 बेस हम क्या कर रहे हैं, सभी का 2 कर ले रहे हैं, x प्लस ये 4 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 12 से, तो 12 × 2 यानी 24 हो जाएगा, प्लस 2 का ये 8 है, 8 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर में 3, और 3 × 3 से हो जाएगा यानी 9 हो गया। उसी तरीके से 16 के पावर में 11 है, तो पहले 2 के पावर में 4 लिखेंगे, और इसके पावर में 11 था, तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। सॉल्व करो, यही तो आपको पता होना चाहिए। तो 24 और 9 33 और 33 यहाँ माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, x का मान 11, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, चलो एक क्वेश्चन इसको देखो। यहाँ पास शांति और कृति का वर्तमान आयु दे रखा है, 5 वर्ष के बाद शांति का आयु अगर 40 वर्ष होगा, तो 5 वर्ष के बाद कृति का आयु कितना होगा बताओ। तो देखो, ये हो गया शांति और ये हो गया कृति, अनुपात क्या दे रखा था, 7 और 3 का दे रखा था। अब ये 5 वर्ष बाद शांति का आयु अगर 40 साल होगा, तो यानी 5 वर्ष पहले, यानी करंट में उसका एज कितना चल रहा है, 35 चल रहा है शांति का, इसका मतलब, और शांति का रेशियो दे रखा है प्रेजेंट का ही, तो 7 का मतलब 35, तो 1 का मतलब कितना 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का मतलब 15, यानी कृति का एज प्रेजेंट में कितना है, 15 है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 5 वर्ष के बाद कृति का आयु कितना होगा, तो प्रेजेंट में 15 है, तो 5 साल और जोड़ दो यानी 20 साल होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अनुपात दे रखा है आपसे, ए बी सी का मान पूछा है, तो ए और बी का अनुपात कितना, 2 और 3, बी और सी का अनुपात क्या, 3 और 4, तो बी का अनुपात अगर देखोगे तो 3 है, और बी का अनुपात यहाँ भी 3 है, तो सिंपल 2 3 4 इसका अनुपात हो गया। समझे नहीं समझे, तो जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ। ए और बी का अनुपात दे रखा था 2 और 3, अब बी और सी के अनुपात कितना दे रखा था, 3 और 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 3 कट किया, तो यहाँ से भी क्या आएगा, 2 और 3 और 3 और 4 ही आएगा। समझे, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलता है और 50 मिनट तक 60 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलता है, उसके औसत चाल बताओ क्या होगा। तो फिर से देखो, औसत चाल पूछा, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ध्यान से देखो, यूनिट मेरा सब कुछ सेम है, तो इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है। ये 100 मिनट तक चल रहा है, घंटा में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चल भी रहा है वो 20 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, 50 मिनट तक चल रहा है, यानी 60 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस अब आप निकाल लो, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम, तो 100 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 2000, 50 × 70 ये कितना हो जाएगा, 3500, यानी इतना मीटर चला है, समय कितना लगा था, तो 100 मिनट और यहाँ 150। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 5500 मीटर बट्टा 150 मिनट,
सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट रहे हैं तो 110 बटा 3 मीटर पर मिनट इसका औसत चाल होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मुझे आप लोग फटाक से कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप लोग जितना ज़्यादा हो सके बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए फिलहाल आपस में वीडियो का वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।